दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे लूकिया टी10 ब्लास्ट मैच के बारे में, जो कि यहां से खेला जाएगा ईगल्स वर्सेस राइडर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम माई फाइव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे तो आपको फ्री में 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिलेगी, जिससे अगर आप लॉस में चले हो तो पूरा लॉस कवर कर सकते हो उसे विन करके। अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो तो 20,000 विन करके अपना पूरा लॉस कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको माई फाइव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फाइव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे अब तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी टीम की, तो विकेट कीपर में मैं बात करूँ तो जे पेटर का आपके पास ऑप्शन है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करूँ, नंबर 6 पे आपको बैटिंग करेंगे, जबकि अगर मैं यहाँ से अगस्त के बारे में बात करूँ तो ये भी आपको लगभग सेम नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है, तो मैं यार स्कीप करके चल रहा हूँ, यहाँ से पेटर को स्कीप कर रहा हूँ फिलहाल, अगस्त को रख रहा हूँ। क्योंकि देखिए वैसे अगर सीधी सी बात मैं बोलूँ कि जिसकी टीम पहले बैटिंग करेगी ना हम उसके साथ जाएंगे, जो पहले बैटिंग करेगा उसके चांस रहेंगे बैटिंग आने के, क्योंकि दोनों ही नीचे खेलते। बट यहाँ से मैं अगस्त को इसलिए पिक कर रहा हूँ, फिलहाल थोड़ी सी ये मुझे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, तो कैचेस वगैरह पकड़ के आपको दे सकते हैं विकेट कीपिंग से, फिलहाल मैं इनको रख रहा हूँ। बाकी फाइनल डिसीजन आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा विकेट कीपर का। बैटिंग में अगर मैं बात करूं, चार्ल्स का आपके पास ऑप्शन है, ओपन करेंगे। लास्ट मिनट में शानदार 25 रन करे थे, उससे पहले अगर मैं बात करूं 19 रन करे, फिर 26 रन करे, परफॉर्मेंस देखोगे अच्छा रहा है, फिलहाल इंपॉर्टेंट है, मैं लेके चल रहा हूं। वहीं यहां से मॉस के बारे में बात करें, मॉसेज यहां पे जो है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे रहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना, बैटिंग में दिए हुए लेकिन बैटिंग का भूल ही जाना, मेन चीज इनकी बॉलिंग है। लास्ट मैच के बारे में बात करूं बॉलिंग करवाते हुए, लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं बॉलिंग से, तो 2 विकेट निकाले, बट बॉलिंग प्रॉपर 2 ओवर डालेंगे तो विकेट निकालने के चांसेस हो जाते हैं, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूं। वहीं सॉलमन के बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर सेम इनका भी काफ़ी नीचे रहता है, मेन चीज़ जो इनकी है बॉलिंग की रहती है। बॉलिंग के बारे में अगर मैं यहाँ से बात करूँ इनके, दोस्तों लास्ट मिनट में 3 विकेट इन्होंने निकाले, उससे पहले 1 विकेट, फिर 0 और फिर 1 विकेट, तो विकेट तो निकालते हुए आए, फिलहाल मैं इनको लेके चल रहा हूँ। एम वेल्स के बारे में बात करें, मस्ट ऑप्शन है, ओपन करेंगे। लास्ट मिनट में 46 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली, उससे पहले 17 रन करे, फिर 29 रन, तो रन तो करे इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं इनको भी अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। टोटल 4 मेरे यहाँ से बैट्समैन रहने वाले, आप देख सकते हो। ऑलराउंडर के बारे में अगर हम बात करें, एडवर्ड का आपके पास ऑप्शन है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूं इनके, तो ओपन करेंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, 31 रन करे, उससे पहले 14 रन, उससे पहले अगर मैं बात करूं 65 रन, फिर इन्होंने 23 रन करे थे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, फिलहाल मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वहीं सेमी के बारे में अगर मैं बात करूँ, किस नंबर में आपको बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, तो इनके बारे में बात करें, नंबर 3 आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लास्ट मिनट में 1 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 4 रन करे, फिर 0, फिर 5 रन और फिर 4 रन। मेन चीज़ ये बॉलिंग करवाते, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि देखो बैटिंग बॉलिंग करवा रहे और फिर टॉप ऑर्डर में आ रहे तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब दोस्तों डेरेन सैमी के बारे में बात करूँ, 82% इनका सेलेक्शन है। अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ये बॉलिंग नहीं करवाएंगे और बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 7 पे रहने वाला है, तो यार काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ जाएंगे। अब लोग इनको रख रहे हैं लेकिन T10 में मुझे लगता नहीं है कि इनको ज़्यादा मौका मिलेगा, तो इनको मैं स्कीप करके चल रहा हूँ। 82% सेलेक्शन है, बट यार देखो फैंटेसी में रिस्क लोगे तभी विन कर सकते हो, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ से किसी को रखना चाहते हो तो जोनास को रख सकते हैं, या आपके लिए ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो 2 ओवर आपको पूरे कंप्लीट बॉलिंग करवा के दे देंगे, लास्ट में 1 विकेट निकाला उससे पहले 0 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट। फिलहाल अगर मैं बात करूँ 2 मेरे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, डी सेमी का आपके पास अच्छा ऑप्शन होने वाला है, डेरेन सेमी जूनियर इनका नाम है, ये नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे, लास्ट में 6 रन करें उससे पहले 22 रन करें। लास्ट 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, 6 विकेट निकाल चुके हैं बॉलिंग करके, तो एक अच्छे ऑप्शन है फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। एल सेमी के बारे में बात करूँ दोस्तों, इनका क्या रहने वाला है, तो भाई एल सेमी के बारे में बात करूँ, बॉलिंग करवाते हुए आपको नजर आएंगे, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले उससे पहले 0 विकेट फिर 1 विकेट और 2 विकेट, तो भाई विकेट तो निकाल रहे इसलिए ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं यहाँ से डोरे के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। अब डोरे के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले उससे पहले 0 विकेट फिर 3 विकेट फिर 0 विकेट और 2 विकेट, तो विकेट तो इन्होंने भी निकाला है, फिलहाल मैं रख रहा हूँ। वहीं दोस्तों इस मैच के लिए आपके लिए एक और मस्ट ऑप्शन एंटोनी हो जाएंगे, बॉलिंग में सबसे नीचे दिए हुए लेकिन आज के मैच में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस भी ये बंदा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन करेगा प्लस बॉलिंग तो खैर नहीं करवाएंगे लेकिन ओपन करेंगे, रिसेंट में 44 रन करे उससे पहले 17 रन करे फिर 32 रन करे 4 रन और 19 रन, तो बंदा ओपन करते हुए नजर आएगा, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। टोटल 4 मेरे यहाँ से बॉलर रहने वाले। बात अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की आती है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से एडवर्ड को लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं और फिर ठीक भी ये कर रहे हैं, बट यार ये बॉलिंग नहीं करवाते, ये चीज़ जो है ना मैटर करती है, अगर बॉलिंग नहीं करवाएंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ कैप्टन मैं जो है यहाँ से फिलहाल डी सेमी जूनियर को कर रहा हूँ, यानी डेरेन सेमी जूनियर को, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग करेंगे। वहीं वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एडवर्ड को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। दोस्तों बात करें हमारी टीम की प्रीव्यू के बारे में, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माय फैब 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माय फैब 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो बस आपको माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।